नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कौरवी झाड़े है। मैं वेस्क्यूलर स्पेशलिस्ट हूँ सह्याद्री हॉस्पिटल पुणे में। आज हम वेरिकोज वेन के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। वेरिकोज वेन की जो तकलीफ होती है वो पैर की रक्तवाहिनी खराब होने की वजह से होती है। पैर की रक्तवाहिनियों में जो वॉल्व होता है उसका काम होता है पैर से जो अशुद्ध रक्त है वो हृदय तक लेकर जाना। बट जब ये वॉल्व खराब हो जाता है तो वो अशुद्ध रक्त हृदय तक नहीं जा पाता है और वो पैर में ही जमा हो जाता है। उसी वजह से जो अशुद्ध रक्तवाहिनी है वो फूलना शुरू हो जाती है और उस वजह से अलग अलग तरीके की तकलीफ शुरू होना जाती है। अब हम समझने की कोशिश करेंगे वेरिकोज वेन क्यों होता है। जिन लोगों को ज़्यादा देर खड़े रहना पड़ता है, जैसे नर्सेस, सर्जन्स, बस कंडक्टर्स, और जिन लोगों को ज़्यादा देर बैठना पड़ता है, जैसे आईटी प्रोफेशनल्स जिनको दिन रात कंप्यूटर में काम करना पड़ता है, ऐसे लोगों में वेरिकोज वेन का प्रमाण ज़्यादा पाया जाता है। इसी तरीके से फीमेल्स में जिनमें मल्टीपल प्रेगनेंसीज हो चुकी है, इन लोगों में भी वेरिकोज वेन का परसेंटेज ज़्यादा पाया जाता है, और कुछ लोगों में ये अनुवांशिक भी पाया जाता है। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि वेरिकोज वेन के सिम्टम्स क्या होते हैं। हर पेशेंट में सिम्टम्स अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। कुछ पेशेंट्स में सिर्फ पैर की नस फूकना शुरू हो जाती है, धीरे धीरे वो फूकती है, जैसे ही आप आराम करते हो वो नस वापस नॉर्मल हो जाती है। कुछ पेशेंट्स में पैर दुखने लगता है और ये दुखना जैसे ही आप ज़्यादा देर खड़े रहोगे ये दर्द बढ़ता है, और जैसे ही आप आराम करोगे ये दर्द कम हो जाता है। कुछ पेशेंट्स में पैर में दर्द भी नहीं होता है, नस भी नहीं फूकती। कुछ पेशेंट में जस्ट पैर में सूजन आती है और आराम करने से ये सूजन चली जाती है। अगर इस स्टेज में हम इसको ट्रीटमेंट ना करें तो ये नेक्स्ट स्टेज पर चले जाता है, जिसमें पैर में बहुत सारी खुजलाहट शुरू हो जाती है। ये खुजलाहट की वजह से पैर की जो स्किन है वो काली पड़ना, लाल होना और वहाँ पर ज़ख्म होना, ऐसी सब तकलीफें शुरू हो सकती। अब हम देखेंगे कि इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। बहुत बार अगर इसमें से कोई भी आपको सिम्टम्स है तो आपको हॉस्पिटल में आना है, आपको वेस्क्यूलर स्पेशलिस्ट को दिखाना है। यहाँ पर आकर हम आपका एक डॉपलर टेस्ट करते हैं। इस डॉपलर टेस्ट में हमें समझ में आता है कि आपकी नस कितने परसेंटेज में ख़राब हुई है, कितना वॉल्व खराब हुआ है, उस हिसाब से हम आपको अलग अलग प्रकार के ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इस वीडियो के बारे में अगर आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।